रविवार की सुबह लोगों को कपड़े की थैलियां बांट रहे भारत विकास परिषद के चेंबूर कोकण प्रांत के ये पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी को पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहे हैं। चेंबूर डायमंड गार्डन के बाहर सुबह 7 बजे से शुरू कपड़े की थैली बांटने के इस मुहिम में नगर सेवक महादेव शिवगन सहित कई लोग जुड़ गए थे। सभी ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए ऐसी मुहिम बेहद जरूरी है। This is very useful because the plastic is dangerous for the environment as well as for our Mumbai also for all over the world it doesn't decay it. So we use the jute or the cotton bag and I used to give especially the ladies function of the Dasara we used to give that ladies haldi kumkum that time we used to give 200 300 bags to these ladies in these 2 mandirs पहले तो मैं स्वामी का दिन जयंती को और वीर माता जिजाऊ को नमन करता हूँ। आज दोनों की जयंती है और उस उपलक्ष्य में हमारे भारत विकास परिषद की ओर से यहाँ पे कॉटन बैग दी गई बच्चों लोगों को। एक प्लास्टिक मुक्त मुंबई, प्लास्टिक मुक्त चेंबूर, ये सोच लेके हम चल रहे हैं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा उपक्रम यहाँ पे किया। जरूरी तो है ही, हमारे देश के पंडित माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्लास्टिक मुक्त भारत, प्लास्टिक मुक्त महाराष्ट्र, प्लास्टिक मुक्त मुंबई और हमने प्लास्टिक मुक्त चेंबूर करने का जो प्रयास किया है, उन्होंने आह्वान किया है सभी को। मैं तो तीन साल से हम इसके पर काम कर रहे हैं और हमारी भारत विकास परिषद के सभी सदस्य इससे जुड़े हैं और उन्होंने एक अच्छा उपक्रम किया है कि सभी लोगों ने प्लास्टिक के बजाय कॉटन के बैग यूज करे, इसलिए उन्होंने कॉटन के बैग देना यहाँ चालू किया है। मेरे ख्याल से लास्ट साल में और ये साल में भी अभी तक मेरे ख्याल से आज सभी से 1.5 घंटे में हम लोग ने 1000 बैग यहाँ पर उनके ओर से बांटे लोगों को दिए, तो एक अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जरूरी है आज के दिन में और हमारा यही प्रयास रहता है, आज हम स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर भारत विकास परिषद की ओर से हमने ये मुहिम शुरू की है और आज 1000 बैग से शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि और भी हमारा टारगेट ये साल का 50,000 पे हम पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लास्टिक न वापरें और उसका उपयोग करें कि हम क्लॉथ बैग ही वापरेंगे, तो एक स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त भारत की हम आगे बढ़ के हम इसके ज़रूर प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़े हमसे और इसको आगे लेके जाएं। आज किसी भैंस को भी पूछिए उसका पेट तपासिए तो आपको ध्यान में आएगा उसके पेट में घास नहीं मिलता है, उसके पेट में क्या मिलता है, प्लास्टिक मिलता है। तो दुनिया में इसका आज किस तरीके से, आज मछलियाँ कम हो रही है, बाघ कम हो रहे हैं, पंछी कम हो रहे हैं, हवा तेज नहीं बहती है, सब जो है वो इस वजह से। आज ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़रूरी यह है कि हम इस वसुंधरा के ओर हम एक कर्तव्य दृष्टि से देखें, अत्यावश्यक दृष्टि से देखें कि हमको यह वसुंधरा ग्रीन बनानी है, हरी बनानी है। तो मेरे सबसे यह दरखास्त है, ज़रूरी है पहला तो प्लास्टिक मुक्त हम करेंगे। प्लास्टिक मुक्त यानी कि क्या है, सबसे छोटी बात है, मैं मेरे घर की थैली मेरे साथ में लेके जाता हूँ। आज भारत विकास परिषद ने यह किया है, यह एक टोकन स्वरूप में है, एक छोटा सा काम किया है। क्या पूरे देश को थैलियाँ पुराने का काम ठेका भारत विकास परिषद ने लिया है? नहीं है, भारत विकास परिषद ने अपने खुद के ये कार्यकर्ताओं ने अपने खुद के पैसे से आज यह किया है क्योंकि उनको यह समझा है, उमझा है। आज ज़रूरी है हर एक ने यह करना है, छोटी सी बात है, आज दी गई थैली, इसके बाद मैं यह प्रण करूँगा कि मैं प्लास्टिक की थैली नहीं वापरूँगा, तो इसकी ज़रूरत है। भारत विकास परिषद ने आज के विवेकानंद जयंती के दिन में यह प्रण करने के लिए सारे समाज को छोटी सी बात बताई है कि आप प्लास्टिक मुक्त इस तरीके से, इसमें कोई राजकारण इन्वॉल्व नहीं है, केवल समाज कारण, समाज हेतु यह काम किया जा रहा है। आज हमने करीबन 1000 बैग्स लाए थे यहाँ पर। अभी अभी हमारे जो देशपांडे सर है
हमारे यहाँ चेंबूर प्रांत के प्रेसिडेंट हैं चेतना कोरगांवकर जी, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, बड़ा मैसेज दे दिया है। उसके आगे मुझे कुछ कहने का रहता नहीं है, फिर भी आज हमारा स्वामी विवेकानंद जी का जो आज जन्म जयंती है, उस जन्म जयंती 157वें जन्म जयंती के निमित्त में हमने एक प्रण किया था भारत विकास परिषद के चेंबूर की टीम ने कि हम एक मैसेज देंगे। हमने एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि चेंबूर को हरित मुंबई, ग्रीन मुंबई करेंगे, प्लास्टिक मुक्त चेंबूर करेंगे, ऐसा हमारा एक प्रण लेके हम यहाँ आए थे और उसमें हम ऑलमोस्ट सक्सेस हुए और चेंबूर की जनता ने काफ़ी उत्साह के साथ हमें सपोर्ट किया और हमें सहयोग दिया, उसके लिए चेंबूर की जनता के हम आभारी हैं। आज ये कार्यक्रम जो रखा है बेहद अच्छा रखा है, आज स्वामी विवेकानंद जयंती भी है और इस निमित्त से भारत विकास परिषद ने जो प्रोग्राम रखा है पर्यावरण के बारे में, आज लोग प्लास्टिक का जो उपयोग करते थे वो प्लास्टिक मुक्त भारत करने का अभियान जो इन्होंने उठाया, आज इस माध्यम से इन्होंने आज सभी लोगों को ये अपने ठेलियाँ बांटी है जो प्लास्टिक मुक्त करने के लिए, कपड़े की थैलियाँ कि जहाँ भी जाए आप सब्जी भी लेने जाए तो कपड़े की थैली यूज करें ताकि पर्यावरण में ये अच्छा रहेगा। आज जो प्लास्टिक के वजह से बहुत से गाय बैल ये सब खाने जो चरते हैं और उसकी वजह से वो उनकी मृत्यु भी हो गई है और ऐसे बहुत से पंछियों को भी इस प्लास्टिक के माध्यम से तकलीफ हो गई है और प्लास्टिक मुक्त होना ये ज़रूरी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्लास्टिक मुक्त भारत ये नारा ही है और इसी तरह सभी भारतवासियों ने ठान लिया है कि हम प्लास्टिक मुक्त करेंगे और इसी वजह से भारत ये जो अभियान किया है वो सबसे अच्छा अभियान है और इसमें हमें भी आनंद हुआ है, बहुत लोगों ने इसमें भाग लिया, सवेरे 7:30 बजे से बहुत से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, अच्छा कार्यक्रम हुआ है। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। धन्यवाद।